वैज्ञानिकों ने भी कैलाश को माना सुपर पावर का केंद्र। जी हाँ, आजकल वैज्ञानिक भी खूब रिसर्च करने में लगे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। यहाँ पॉजिटिव जो एनर्जी है बहुत अधिक पाई जाती है, यानी सरल भाषा में कहें तो अच्छी आत्माएं यहाँ निवास करती हैं। यह जो पर्वत है पैरामिड के अनुसार बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यहाँ एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं आकर मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति यानी सुपर पावर का प्रभाव होता रहता है। हमेशा वह कार्य करती रहती है वहां, और आप उन शक्तियों के साथ जुड़ भी सकते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ने का जो प्रोसेस है बहुत कठिन है, क्योंकि उनके साथ वही जुड़ सकता है जो अंदर से चेतना से भी शुद्ध हो, मन से भी शुद्ध हो, मस्तिष्क से भी शुद्ध हो, क्योंकि वहां केवल तर्क नहीं चलता है, तर्क के साथ आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है। तभी आप सुपर पावर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। वहां ऐसे ऐसे साधु निवास करते हैं जो दिन को रात बना दे, रात को दिन, चलते हुए आदमी को मृत्यु प्रदान करते हैं और मृत व्यक्ति को जिंदा कर दे। ऐसी सुपर पावर रखने वाले योगी महामुनि कैलाश पर्वत पर निवास कर। कैलाश पर्वत पर वैज्ञानिक भी चढ़ने से डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वहां की जो स्थिति है वह हर व्यक्ति के अनुकूल नहीं है। वहां कितनी बर्फ गिरती है, कितना ठंडा है, कितना कष्ट है जाने में, यह हर वैज्ञानिक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रिसर्च करने में लगे हुए। वहां पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिला रेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। कैलाश पर्वत चार महान नदियों से घिरा हुआ है, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, जिसे घाघरा के पास में दो सरोवर भी हैं। पहला सरोवर है मानसरोवर, जहां शुद्ध और पवित्र जल प्राप्त होता है, और दूसरा है राक्षस झील, जहां खारा पानी प्राप्त होता है। जब दक्षिण से इसे देखते हैं तो यह एक स्वास्तिक चिन्ह के रूप में नजर आता है। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बती मंदिर में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति, एक पॉजिटिव और एक हाई पावर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड है वह बना हुआ है। एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाला, देने वाला एक चक्र हमेशा घूमता रहता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो भगवान शिव के त्रिशूल की शक्ति उस कैलाश पर्वत की हमेशा रक्षा करती रहती है। कैलाश पर्वत के चारों ओर त्रिशूल की शक्ति भ्रमण करती रहती है। कहते हैं जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। यह पर्वत मानव निर्मित विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। इसका उल्लेख रामायण में भी प्राप्त होता है। यहां पर यति हिमानव की भी चर्चा देखने को मिलती है, यानी ऐसे विशालकाय जीव, ऐसे विशालकाय मानव जिन्हें देखकर आप भयभीत हो जाएं। ऐसे विशाल शरीर को धारण करने वाले यहां ऋषि मुनि तपस्वी योद्धा रहते हैं, साधु रहते हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी कई बार हैरान हो जाते हैं। और ऐसे सबूत प्राप्त होते हैं कि जो सुपर पावर को वहां बताते हैं कि सुपर पावर वहां निवास करती है, वैज्ञानिक भी हैरान है और निरंतर खोज कर रहे हैं। ऐसे ही रहस्यों से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।